बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों ने धातुएं देखी हैं कभी? नहीं देखी ना। जो घर के रसोई में जो खाना पकाते हैं जिन बर्तनों में, वो किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम। हाँ, एल्युमिनियम है, तांबा है, लोहा है ना, इन्हीं के तो बने होते हैं ये सभी धातुएं हैं। और आज हम तुम्हें जानकारी देने जा रहे हैं ये किससे निकाली जाती हैं और ये धातुएं कैसे खनिज से अलग की जाती हैं। आज का विषय हमारा है खनिज और धातु। ये कोई बता सकता है कि खनिज क्या होते हैं? अल्फाहद बताओ। अधिकतर धातु यौगिकों के रूप में पाई जाती है, उन्हें खनिज कहते हैं। हाँ, अधिकतर धातुएं यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं और उन्हीं को खनिज कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा जाने तो पृथ्वी भूपटल का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों और यौगिकों से हुआ है। यानी जो पृथ्वी की परत है इसके नीचे तमाम धातुएं और तत्व के रूप में और यौगिक के रूप में मिलती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। प्रकृति में यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। अल्फाज ने बिल्कुल सही बताया था कि अधिकतर धातुएं यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं और उन्हीं को हम खनिज कहते हैं। आप खनिज का कोई उदाहरण बता सकते हैं? क्वार्ट्ज, माइका, हेमेटाइट, ग्रेनाइट। जो खनिज हैं उनके नाम ऐसे हैं जैसे क्वार्ट्ज है, माइका है, हेमेटाइट है, ग्रेनाइट है। ऐसे खनिज धातु का निष्कर्षण सरलता और कम लागत से हो जाता है, उन्हें ऐसे कहते हैं। यानी जो धातुएं यौगिकों के रूप में पाई जाती है उन्हीं को तुमने बताया खनिज कहते हैं। और खनिज और अयस्क में ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसे खनिज जिनसे हम कम लागत से और आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हो, उन खनिजों को हम क्या कहने लगते हैं? अयस्क खनिज। क्या कहते हैं? अयस्क। क्या होते हैं अयस्क? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलता एवं कम लागत से होता है। हाँ, उन्हीं को हम खनिज कहते हैं। तुम बताओ कंचन, अयस्क किसे कहते हैं? धातु से सरलता और जिसे कम लागत कम लगे और आसानी से हो जाए, है ना, निष्कर्षण धातु का। ऐसे खनिज क्या कहलाने लगते हैं? अयस्क कहलाते हैं। अब देखो, अभी तुमने हमें बताया था कि यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, तो पृथ्वी की जो परत है उसमें किस परत पर कौन सा तत्व या यौगिक है, ये हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है। पृथ्वी की चट्टानों में तत्व। अब देखिए, सबसे ऊपर की तो छोड़ दीजिए, ये अन्न है, इसमें मिश्रित है। उसके बाद आइए दूसरी परत में सोडियम। उसके बाद जो उसके नीचे की परत है उसमें क्या है? कैल्शियम। उसके नीचे की परत में आयरन जिसे हम कहते हैं लोहा। और उसके नीचे की परत में क्या है? एल्युमिनियम। और उसके नीचे की परत में सिलिकॉन। जो बालू में चमकती हुई चीज दिखाई देती है कभी कभी, देखी बालू? हाँ देखी। हाँ, वो सिलिकॉन का होता है, ऑक्साइड होता है जो बालू के अंदर चमकता है। और सबसे नीचे की परत हमारी ऑक्सीजन की होती है। तो इन पृथ्वी की परत में ये तत्व और यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, इन्हीं को हम खनिज कहते हैं। ऐसा समझा जाता है कि खनिजों का निर्माण या तो पेड़ पौधों के अपघटन से हुआ है या जीव जंतुओं के अपघटन से हुआ है। और ये भी माना जाता है कि कभी कभी ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो किसी जगह पर जम जाता है ठंडक के कारण और वो खनिज की उत्पत्ति कर देता है। ये तो हुई खनिज की बात। अब खनिज होते कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कति बताओ तुम कौन कौन से? धात्विक, अधात्विक तथा खनिज ईंधन। हाँ, पहला प्रकार है धात्विक खनिज, दूसरा प्रकार है अधात्विक खनिज और तीसरा प्रकार है खनिज ईंधन। तो ये दोनों प्रकार में क्या है? धात्विक खनिज वो खनिज है जिनमें जो धातु है वो उपस्थित होती है। यानी धातु किस रूप में है? किसी यौगिक के रूप में होगी लेकिन धातु जरूर होगी। ऐसे खनिज कहलाते हैं धात्विक खनिज। जैसे देखो, लोहा है, किस रूप में मिलता है? हेमेटाइट। इसका खनिज का नाम है हेमेटाइट। कहाँ मिलता है? बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तांबा है, इसका जो अयस्क है उसका नाम है कॉपर पायराइट। कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश और बिहार। सोना है, ये यौगिक के रूप में नहीं मिलता क्योंकि सोना जो है क्या होता है? खानों से निकाला जाता है। इसके खान है कोलार खान, कर्नाटक। अब दूसरे प्रकार क्या आते हैं?
क्या कहलाते हैं? अधात्विक, जिसमें यौगिक जो है अधातु के हों, धातु ना हो। ऐसे खनिज जिसमें जिसके यौगिक किसके बने हो? अधातु के, धातु ना हो। जैसे देखो चूना पत्थर, इसको हम रसायन की भाषा में कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, साधारण भाषा में इसे चूना पत्थर कहते हैं। ये भारत के सभी राज्य, मध्य प्रदेश और राजस्थान में संगमरमर के रूप में पाया जाता है। यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब जम जाता है तो ये किसका रूप ले लेता है? संगमरमर का रूप ले लेता है। अभ्रक, ये पाया जाता है बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। पेट्रोलियम, ये जमीन के नीचे पाया जाता है जिससे हम ईंधन निकालते हैं। पेट्रोल है, खाना बनाने वाली गैस है, तमाम तरीके के तेल हैं, ये पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। और फिर क्या है? कोयला, इसमें भी कोई धातु नहीं है। और ये कोयला कहाँ मिलता है? खान से मिलता है, पश्चिम बंगाल और बिहार में इसकी खाने पाई जाती हैं। अब हम आते हैं कि आखिर खनिज तो हमें मालूम हो गए है कि धातु अधातुक के रूप में यौगिक हो या धातु के रूप में यौगिक हो, ये खनिज हो गए। अब खनिज से हम धातु कैसे प्राप्त करें? अब खनिज तो हमें मिल गई लेकिन उसमें धातु अलग थोड़ी है, उसमें तो धातु कैसी है? यौगिक की अवस्था में है। हम उससे धातु अलग करना चाहते हैं और ये क्रिया कहलाती है धातु कर्म। क्या कहलाती है? धातु कर्म। हमारे साथ बोलो क्या कहलाती क्रिया ये? धातु कर्म। क्या करते हैं इस क्रिया में? खनिज से धातु को, शुद्ध धातु अलग करना, अलग करते हैं। इस अलग करने की क्रिया यहाँ पर निष्कर्षण कहलाती है और इसका जो नाम है वो है धातु कर्म, जिसको हम मेटलर्जी कहते हैं। ऐश के या खनिज से धातु को शुद्ध अवस्था में अलग करना, और ये एक बार में नहीं होता, इसके कई पद हैं। जैसे पहला है सांद्रण, दूसरा है भर्जन, तीसरा है निस्तापन, चौथा है प्रगलन और पांचवा है शोधन। यानी ऐश के या खनिज से धातु को अलग करने में इतनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर हम खनिज या ऐश से धातु को अलग कर पाते हैं। अब सबसे पहला हमारा आता है सांद्रण। सांद्रण में क्या करते हैं? जो ऐश होता है उसमें जो अशुद्धियां हैं उनको अलग करते हैं। जब अशुद्धियां अलग हो जाती हैं तो ऐश सांद्र हो जाता है, यानी एक तरीके से क्या है? ऐश का शोधन है। इसकी तीन विधियां हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, तीसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या है कि हम ऐश को बारीक पीस देते हैं और एक सीढ़ी नुमा स्थान लेते हैं जिसमें बीच बीच में अवरोधक लगा देते हैं, रुकावट पैदा कर देते हैं, और पीसी हुई ऐश को उस पर गिराते हैं और पीछे से पानी का, तेज पानी का भाव करते हैं। क्या होता है इससे? जो ऐश भारी होंगे वो तो अवरोधकों में रुक जाते हैं, जो हल्के होंगे वो पानी के साथ बहकर अलग हो जाते हैं। इस प्रकार अशुद्धियां पृथक हो जाती हैं। सबसे मुख्य विधि जो सांद्रण की है इसको हम कहते हैं फेन प्लवन विधि, और ये हम एक चित्र के माध्यम से तुमको बता रहे हैं। फेन कहते हैं झाग को, फेना क्या होता है? झाग होता है ना, तो फेन कहते हैं झाग को। प्लवन माने होता है तैरना, उत्प्लवन कह लो, प्लवन कह लो, है फ्लोटिंग कह लो, फ्लोट करना। तो फेन प्लवन का अर्थ हुआ झाग तैरने लगे, ऐसी विधि है ये। तो कैसे झाग तैरेगा? जो ऐश है उसको बारीक पीस लेते हैं, पिसा हुआ ऐश बारीक पीस लेते हैं, इस बर्तन में ले लेते हैं, ये बड़ा सा नाद सा है, और उसके बाद उसमें तेल और जल मिला देते हैं। कोई भी ऐसा चिपचिपा तेल, मिट्टी का तेल नहीं, ऐसा जिसमें चिपचिपापन हो, ऐसा तेल और जल। तुमने कभी देखा होगा कि हाथ में तुम्हारे अगर तेल, गीले हाथ में तेल लग जाए, अगर हाथ से ऐसे रगड़ दो तो क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। करके देखना कभी, होगा ऐसा, क्योंकि उसमें झाग बन जाता है। जब हम इस फुकनी के इससे फूकते हैं, हवा डालते हैं इसके अंदर तेजी से, तो हवा के कारण ये तेल और जल झाग बन जाता है, और जो ऐश में सल्फाइड ऐश होते हैं वो गुणों में हल्के होते हैं। उनकी क्या पहचान है? हल्के होते हैं। तो झाग के साथ कौन सी चीज जाएगी ऊपर? हल्की चीज जाएगी कि भारी चीज जाएगी? हल्की चीज। हल्की चीज। तो ऐश इस झाग के साथ ऊपर तैरने लगता है और अशुद्धियां यहां नीचे बैठ जाती हैं। इस तरीके से हम इसे अलग कर लेते हैं। एक विधि और भी है, वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में बता देते हैं, चुंबकीय पृथक्करण। अगर हमारी ऐश ऐसी है जिसमें कोई
धातु चुंबकीय है, चुंबकीय गुण माने चुंबक जिसे खींच ले उसको कहते हैं चुंबकीय। अगर उसमें चुंबकीय गुण है तो चुंबक द्वारा उसे अशुद्धियों से अलग किया जा सकता है, ठीक है। और यदि अशुद्धि कोई ऐसी है जिसमें चुंबकीय गुण है तो ऐसी स्थिति में अशुद्धियों को चुंबक के द्वारा अलग कर दिया जाता है। तो चुंबकीय पृथक्करण यानी चुंबक से या तो धातु को अलग कर लेना या चुंबक से अशुद्धियों को पृथक करना। इसलिए वहां चुंबक का स्थान पृथक्करण करने में चुंबक का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हम उसको कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। दूसरी क्रिया हमारी थी भर्जन, ये क्या क्रिया है? इसमें सल्फाइड एस को गर्म वायु के साथ परिवर्तित कर देते हैं। एक भट्टी है जिसको कहलाती है परावर्तनी भट्टी, उसमें हम वायु का झोंका फेंकते हैं और पिसे हुए एस जो हमारा भर्जित एस के जो मतलब हमें सांद्रित एस के जो सांद्रण के बाद हमें शुद्ध मिल गई है उसको हम उस भट्टी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। क्या होगा? ये सल्फाइड एस है, ऑक्सीजन के साथ गर्म की गई, धातु का ऑक्साइड बन गया जिसको हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड, और सल्फर ने ये जो गंधक थी इसने ऑक्सीजन से जुड़कर एक गैस बना दी जिसे सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, ये उड़ जाती है। तो क्या है भर्जन, क्या क्रिया है? जिसमें एस को वायु के साथ गर्म करके धातु के ऑक्साइडों में बदला जाता है। भर्जन वो क्रिया है जिसमें धातु के सांद्रित एस को वायु के ऑक्सीजन द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है और शेष बचता क्या है? कुछ वाष्पशील गैसें बनती हैं जो उड़ जाती हैं। निस्तापन क्या है? जब हम सल्फाइड एस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं तो क्रिया कहलाती है भर्जन। जब हमारी एस कार्बोनेट के रूप में होती है तब वही भर्जन की क्रिया यहाँ क्या कहलाने लगती है? निस्तापन कहने लगती है। कार्बोनेट एस को वायु की अनुपस्थित में गर्म करके क्या फर्क हुआ? उसमें वायु द्वारा ऑक्साइड बदलते हैं, वायु के ऑक्सीजन से क्रिया कराते थे, यहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब कार्बोनेट गर्म किए जाते हैं तो स्वतः अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं और धातु का ऑक्साइड बच रहता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। भर्जन में ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, यहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता ऑक्साइड बनाने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बोनेट सारे गर्म होकर अपघटित होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। ये लेड कार्बोनेट है, ये गर्म करने का चिन्ह है, ये गर्म करने का चिन्ह है, गर्म किया गया अपघटित होकर टूट गए, लेड का ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया। इस प्रकार भर्जन और निस्तापन दोनों ही क्रियाओं में एस को धातु के ऑक्साइडों में बदल लिया जाता है। अब जब धातु का ऑक्साइड हमें प्राप्त हो गया तो हमें तो धातु अलग करनी है, ऑक्साइड तो बनाना नहीं है। क्या ऑक्साइड बनाना है हमें? धातु प्राप्त करना है ना। निष्कर्षण वो क्रिया है जिसमें एस से शुद्ध धातु अलग करते हैं। अब ये काम जो ये काम जो ऑक्साइड से धातु बनाने का काम है, ये क्रिया जो है प्रगलन कहलाती है। यानी यहां हम कार्बन मिलाकर जो ऑक्साइड हमने बनाया है उसको एक विशेष प्रकार की भट्टी में गलाया जाता है और ये तापक्रमगत और ये बहुत ऊंचे ताप पर होता है। इससे कार्बन ऑक्साइड की ऑक्सीजन को अलग कर देता है। कार्बन ने क्या किया? ऑक्सीजन से जुड़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और धातु पृथक हो गई। इस गली हुई धातु को हम कहते हैं क्या है? गलित, प्रगलित धातु। ये वो भट्टी है जिसका जिक्र हमने अभी भी किया है, वात्य भट्टी, बहुत ऊंची होती है और लोहे की बनी होती है, मजबूत लोहे की बनी होती है। इसके अंदर ईंटों का अस्तर लगा रहता है ताकि अधिक तापक्रम से लोहे की चादर न गले। इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो ये भट्टी यहाँ पर है, नीचे आग है तो इसके करीब जो हिस्सा है उसमें तापक्रम सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऊपर सबसे कम। यहाँ से हम भर्जित या निस्तापित ऐस को गिराते हैं, जैसे जैसे वो नीचे अधिक तापक्रम की ओर चलती जाती है गलती जाती है। जो उसमें गलित अशुद्धि है उसको हम कहते हैं धातुमल, और जो गलित धातु है उसको हम गलित धातु कहते। वो धातु अलग हो गई, लेकिन अभी ये धातु पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई, इसको हमें शुद्ध करना पड़ता है और ये क्रिया हमारी कहलाती है शोधन। प्रगलन से प्राप्त धातु में मिली हुई अशुद्धियों को विद्युत विश्लेषण विधि द्वारा शुद्ध करना शोधन कहलाता है। अब हम
इनके गुण भी जान लें। धातुओं के भौतिक गुण क्या हैं? साधारण ताप पर सभी धातु ठोस, चाहे तांबा ले लो, किसमें ठोस मिलता है आपकी, पानी की तरह होता है ठोस। तांबा ले लो वो भी ठोस है, लोहा ले लो वो भी ठोस है ना। लेकिन एक अपवाद है, पारा, वो भी धातु है लेकिन वो ठोस नहीं, अर्ध ठोस, तरल अवस्था है ना। तरल में भी पूरी तरह नहीं है, पानी की तरह भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह ठोस भी नहीं है, इसलिए हम उसको कहते हैं अर्ध ठोस। दूसरा, सभी धातु कठोर होती हैं, लोहा है, तांबा है, सब कठोर होते हैं, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, सोडियम, ये कठोर नहीं होता, इसे कैंची से काटा जा सकता है। काटा तो लोहे को भी जा सकता है, लेकिन इसे आसानी से काटा जा सकता है, ये नरम होता है, जैसे मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, मरकरी है, ये सभी, मरकरी तो अर्ध ठोस है और बाकी ये दोनों कठोर है। ऊष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत के भी सुचालक होते हैं, जैसे तांबे का तार है, हमें विद्युत से उसे प्रवाहित हो जाती है। धातु वर्धनीयता, यानी धातुओं को पीट कर चादर बनाई जा सकती है। तन्यता, धातुओं को खींचकर उसके तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण, सभी धातुएं ऑक्सीजन से सहयोग करके अपने ऑक्साइड बनाती हैं। ये सोडियम है, ऑक्सीजन से सहयोग कर लिया तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं जल से अभिक्रिया करके अपने हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। जैसे सोडियम है, जल से क्रिया किया, क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये तो बच्चों तुमने आज जाना खनिज और धातु के बारे में।